नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। वक्त हो गया है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का। शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। दुनिया के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान का आगाज हो चुका है। राजस्थान में शनिवार को 167 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर वीबी सिंह को पहला टीका लगाया गया। प्रदेश के सभी 33 जिलों में पहला टीका डॉक्टर्स को ही लगाया गया। हालांकि अलवर में 3 हेल्थ वर्कर ने खाली पेट टीका लगवा लिया, जिसके बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। हालांकि अब उनकी तबीयत में सुधार है। जयपुर में 21 सेंटर्स सहित प्रदेश के सभी शहरों में इसके साथ ही अब हेल्थ वॉरियर्स को टीका लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। साथ ही में आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाया है कि भारत सरकार के माध्यम से राजस्थान भेजी गई कोरोना से बचाव की वैक्सीन पूरी तरह से विश्वसनीय है। सीएम गहलोत ने कहा है कि भारत सरकार ने इसे सभी मापदंडों पर परखने के बाद राज्यों को भेजा है। गहलोत ने कहा है कि वैक्सीन का लंबे समय से इंतजार था, वह इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी है। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर आपको दे दे, बहुप्रतीक्षित कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। बड़ी खबर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती परीक्षा का कुल 7810 पदों के लिए परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है। कुल पदों के मुकाबले दोगुना अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। आपको बता दें, अगले सप्ताह से सत्यापन दस्तावेज का काम शुरू हो जाएगा। 80,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने SHO भर्ती परीक्षा दी थी। यह भर्ती परीक्षा 6310 पदों के लिए आयोजित की गई थी, लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने 1500 और पदों पर स्वीकृति दी थी। अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर वेबसाइट नजर आ रही होगी, वहां विजिट करके आप नतीजे देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर आपको दे दे, कांग्रेस संगठन में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राहुल गांधी के भारत लौटने के बाद संगठन में फेरबदल की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें राजस्थान के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ रहे सचिन पायलट को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में कोई बड़ा पद मिल सकता है। हाल ही संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल और सचिन पायलट के बीच हुई मुलाकात के बाद अटकलें तेज हो गई है कि सचिन पायलट को AICC का महासचिव बनाया जा सकता है। दरअसल खबरें आ रही है कि सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी किसी भी राज्य में प्रभारी महासचिव बना सकती है। प्रदेश की एक और बड़ी खबर आपको दे दे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक और बड़ा बदलाव करते हुए प्रदेश के हजारों परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दी है। अब उनको मार्कशीट और अन्य दस्तावेज लेने के लिए बोर्ड कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बोर्ड ने साल 1975 से अब तक के परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं। और आपको बता दे, आवेदन के 3 दिन के अंदर ही विद्यार्थी के घर पर मार्कशीट सहित अन्य दस्तावेज भेज दिया जाएगा। इससे बोर्ड के पुराने और नए परीक्षार्थियों को दस्तावेज मिल सकेंगे। ऑनलाइन दस्तावेज के लिए बोर्ड ने ऑनलाइन शुल्क उपलब्ध करा दिया है, इसके जरिए आवेदन किए जा सकेंगे। बोर्ड की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार दस्तावेज लेने के लिए आवेदक को बोर्ड की वेबसाइट पर आधार कार्ड देना होगा। और आपको बता दें, इस पूरी प्रक्रिया की सूचना आपको SMS के जरिए मोबाइल पर मिल जाएगी। प्रदेश की अगली बड़ी खबर बीकानेर से आ रही है। राजस्थान में भी उत्तर देश की तर्ज पर लव जिहाद मामलों पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून बनाए जाने की मांग पिछले दिनों उठ चुकी है। और अब ऐसा ही एक प्रकरण बीकानेर में सामने आने के बाद लव जिहाद विरोधी कानून की मांग फिर से उठ रही है। भाजपा नेता बीकानेर के मामले को गंभीर मानते हुए सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और ऐसे मामलों पर रोक लगाने की पैरवी कर रहे हैं। आपको बता दें, बीकानेर जिले में एक कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है। उसके बाद राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने सरकार से कड़े कानून बनाए जाने की मांग की है। साथ ही में आपको बता दें, बीकानेर जिले में लव जिहाद मामले को लेकर अब नया मोड़ आ चुका है। लड़की के दादा और पिता ने कहा है कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो वह सपरिवार आत्महत्या कर लेंगे। हालांकि लड़की ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके कहा है कि वह अपनी मर्जी और रजामंदी से शादी की है, इसमें लव जिहाद का कोई भी मामला नहीं है। लेकिन आपको बता दें, फिलहाल यह मामला अब धीरे धीरे तुल पकड़ रहा है। तो यही थी प्रदेश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।